था। जी जी उसी मुतालिक है। अपने माँ बाप अपने बच्चों का माल लूट के भी जब उसका बच्चा हक में है और उसके लिए तरह तरह की मुसीबत फैसला या में है कि ये तेरी माँ है करके अला उसका हिसाब किताब या मार के छटेगा या नए दोनों के बीच में दरमिया में या सुलह करेगा शिफ ये थोड़ा बताइए शिफ देखें माँ बाप जो है ना माँ बाप का हक हम पर बहुत ज्यादा है बहुत ज़्यादा माँ बाप पे के लिए हम कितना भी कर लें कितना भी कर लें लेकिन माँ बाप का हक़ हम अदा नहीं कर सकते एक यमनी था जो खान काबा का तवाफ़ कर रहा था और उसने अपनी माँ को पीठ पर लाद रखा था हज़रत इबन उमर रदी अल्लाह तनों को उसने देखा तो खुशी से मचलने लगा और अपनी इस अदा को ज़ाहिर करते हुए कहा कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया तो हज़रत इबन उमर रदी अल्लाह तु ने कहा था उससे वला बे जफर हक़ अदा करने की बात करते हो तुम्हें जन्म देने में उन्होंने जो सांस लिया था उन सांसों में से एक सांस का भी तुम हक़ अदा ना कर सके तो माँ बाप का हक हाँ बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी पूरी की पूरी अगर हम लगा दें उनकी खिदमत में और उन पर अपना माल लुटाते रहें फिर भी हम माँ बाप का हक हाँ अदा नहीं कर सकते इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा था अंत वमाल अबीक तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के लिए हो तुम गोया के अपने बाप के लिए हो और तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है तो तुम्हारा बाप तुम्हारे माल में से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है लेकिन एक कायदा याद रखिए ये कायदा भी हमारे ध्यान में होना चाहिए कि आप जो कुछ कमाते हैं वो कमाई आपकी है अलबत् माँ और बाप का जो भी हक है वो हक़ अदा होना चाहिए आपकी पूरी कमाई के आपके वालदे मालिक नहीं हैं मालिक आप हैं अब यह है कि अगर आपके माँ बाप या किसी के भी माँ बाप उसकी कमाई में से अपनी पसंद से अपने इख्तियार से लेते हैं तो इसमें बेटे को खुशी का इधार करना चाहिए और उसमें उसको अज्र मिल रहा है सवाब मिल रहा है अगर ज़्यादा भी ले लिया तो उसमें सवाब ही मिल रहा है और हमने अभी अर्ज़ किया है कि माँ बाप का हक़ हम कतअअ अदा नहीं कर सकते माँ बाप ले सकते हैं माँ बाप के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान माँ बाप का इतना ऊंचा मकाम है माँ बाप पे अगर हमारा माल ले लेते हैं उनको हक़ है लेने का हाँ अगर उन्होंने भी ज़्यादती की होगी याद रखें ये बात नोट करें अगर उन्होंने भी ज़्यादती की होगी अपने बेटे पर हालांकि कि बेटा को ये एहसास अपने अंदर नहीं लाना चाहिए इसीलिए मैंने ज़ोर दिया इस बात पे कि बेटा को कतअअ ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाप ने मुझ पर म किया है नहीं कतअअ नहीं हाँ कुछ बाप ऐसा हो ऐसा करते हैं लेकिन ख़ुद अपने तई अपने अंदर ये एहसास पैदा नहीं करना चाहिए बेटा को ये एहसास रखना चाहिए मेरे बाप का मुझ पर जो हक़ था वो अदा नहीं हो सका मेरी माँ का मुझ पर जो हक था वो अदा नहीं हो सका, सका। चाहे कितनी भी ज्यादती माँ बाप ने क्यों ना किया हो ये एहसास होना चाहिए बेटे को हाँ अगर बाप ने भी ज़्यादती की तो कल क़यामत के दिन बाप को भी हिसाब देना होगा देना होगा